यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करल विधानसभा सीट को लेकर बड़ा दाव खेला है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बहनोई अनुजेश यादव को टिकट देकर यादव परिवार में आग लगा दी है। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के दामाद और सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के जीजा अनुजेश यादव को टिकट देकर कलर की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी के इस फैसले के बाद मुलायम सिंह यादव के परिवार में ही जंग शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि अनुजेश प्रताप सिंह सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। हालांकि धर्मेंद्र यादव का कहना है कि उनकी बहन के साथ रिश्ता टूट चुका है, लेकिन क्या बीजेपी इस चुनाव लड़ने के कारण कोई भाई अपनी बहन से रिश्ता तोड़ सकता है, चलिए जानते हैं। दरअसल बीजेपी ने यूपी उपचुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। इस लिस्ट में करहल सीट से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी की ये सीट सालों से गढ़ रही है। खास बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव खुद इस सीट से विधायक थे, मगर कन्नौज लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ये सीट खाली कर दी थी। अब इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में वो रिश्तों के भंवर में उलझ कर रह गए हैं। क्या करहल जीतकर भी हार जाएंगे अखिलेश? आपको बता दें कि अनुजेश यादव का मुकाबला तेज प्रताप सिंह यादव से हो रहा है, जो मैनपुरी सीट के पूर्व सांसद रह चुके हैं। खास बात यह है कि मुलायम सिंह यादव के अपने सगे भाई के पोते हैं। ऐसे में करहल का मुकाबला भाई बहन और राखी के रिश्तों तक पहुँच गया है। बीजेपी ने यह मुकाबला भाई बहन के राखी के रिश्ते तक पहुंचा दिया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सैफई में एक साथ जुटने वाला परिवार करहल में भी बिछड़ जाएगा या नहीं। आपको बता दें कि संध्या यादव मुलायम परिवार की पहली बेटी है, जो खुद मैनपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। कुछ महीने पहले ही बीजेपी में शामिल होने के बाद संध्या और अनुजेश को सपा से निकाल दिया गया था। आपको बता दें कि अनुजेश यादव की मां भी मैनपुरी की गिरौर सीट से सपा की विधायक रह चुकी है।